सब्सक्राइब कीजिए सोनल की रसोई चैनल को और बेल आइकन को दबाइए न्यू रेसिपीज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ब्रेकफास्ट रेसिपी बताने वाली हूँ और ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी, इजी और टेस्टी है। हेल्दी इसलिए क्योंकि यहाँ पर मैंने ऑयल यूज नहीं किया है और इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स छुपी हुई है। अगर आपके बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, उन्हें आप ये इडली खिलाइए और ये इडली बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। और जिस चटनी के साथ मैंने यहाँ सर्व किया है, ये है हरी भरी नारियल की चटनी। इसकी रेसिपी की लिंक भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं और इस चटनी के साथ ये इडली बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम है सोनल, आप आए हैं सोनल की रसोई में, चलिए शुरू करते हैं। वेजिटेबल इडली बनाने की रिटन रेसिपी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए एक बड़ा बोल ले लीजिए और उसमें हम डालेंगे एक कप सूजी। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम सूजी यूज की है और इसमें हम डालेंगे एक कप दही, मतलब 250 ग्राम दही। और इसमें आप थोड़ा सा नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार। इडली में ज्यादा नमक नहीं डालिए क्योंकि ज्यादा नमक इडली का टेस्ट बिगाड़ देता है। और इन इडली को आप चटनी के साथ खाइए तो अच्छे लगते हैं। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए। आप यहाँ पर भुनी हुई सूजी मत लीजिएगा। अब ये जो हमने पेस्ट बनाया है, इसे आप ढककर रख देंगे थोड़ी देर के लिए, 15 मिनट के लिए। और देखिए 15 मिनट हो गए हैं, हमारी सूजी अब फूल चुकी है। तो इसमें आप ऊपर से 1/4 कप पानी डाल दीजिए, जिससे कि आपकी जो सूजी है वो, जो ये बैटर गाढ़ा हो गया था, वो अब हमारी डिजायर्ड कंसिस्टेंसी पे आ जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग पानी की जो मात्रा है वो एडजस्ट कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी सूजी किस तरह की है। अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए। देखिए अब इसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर, इससे हमारी जो इडली है वो फूलती है। अगर आप बेकिंग पाउडर नहीं डालेंगे तो इडली नहीं फूलेगी। तो यहाँ पर आप 1 teaspoon बेकिंग पाउडर डाल दीजिए और बेकिंग पाउडर डालने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए। आप यहाँ पर बबल्स देख रहे हैं, ये इंडिकेशन है कि हमारी सूजी, ये इडली अच्छी तरीके से फूलेंगी। अगर तब भी नहीं फूलती है तो आप बेकिंग पाउडर की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। आप इसमें इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा मैंने बोला था, इसमें हम खूब सारी वेजिटेबल्स डालेंगे। तो यहाँ मैंने कुछ बीन्स काट के रखी है, गाजर, और ये है मटर, प्याज जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है, धनिया पत्ती, इसे भी बारीक काट लिया है, और हरी मिर्च। अब इन सारे वेजिटेबल्स को हम हमारे बैटर में डाल देंगे। बीन्स डाल दीजिए, गाजर डाल दीजिए, प्याज डाल दीजिए, आप इसमें शिमला मिर्च डाल सकते हैं, पत्ता गोभी डाल सकते हैं, आप अपनी चॉइस से कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। अब ये सारी चीज़ें डाल के, और हाँ, अगर आप मिर्च डालना चाहें तो डालें, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसे स्किप कर दें, नहीं तो बच्चों को बहाना मिल जाएगा कि भाई इसमें तो बहुत सारी मिर्च है तो हमें खाना नहीं है। अब अच्छी तरीके से इसका एक बैटर रेडी कर दीजिए। ये हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है इडली बनाने के लिए। मैं आपको माइक्रोवेव में इडली बनाकर बता रही हूँ, आप इडली स्टैंड में भी इडली बना सकते हैं। मैंने आपसे बोला था ऑयल यूज नहीं करेंगे हम, बट थोड़ा सा ग्रीस करने के लिए बस मैं यूज कर रही हूँ, एज इन नहीं करना है। बट क्योंकि अगर आप ग्रीस नहीं करेंगे तो इडली आपकी अच्छी तरीके से नहीं निकलेंगी। अब आप अपने जो इडली का मोल्ड है, साचा है, उसमें आप इडली का पेस्ट डाल दीजिए जो आपने बैटर रेडी किया हुआ है, और इसे थपथपा दीजिए अच्छी तरीके से, ताकि ये थोड़ा साचे में अच्छी तरीके से सेट हो जाए। ये देखिए, मैंने दोनों साचे में इडली का बैटर भर लिया है, डाल लिया है। अब हम इसे माइक्रोवेव में पकाएंगे। आप दोस्तों
इसे इडली स्टैंड में भी बना सकते हैं। माइक्रोवेव में बना रही हूँ तो यहाँ पर मैंने एक पानी भर के एक बोल रखा है, उसके ऊपर मैं इडली का ये स्टैंड रख रही हूँ और इसे हम ढककर पका लेंगे। और अब इसे पकाना कितना है, इडली को हमें माइक्रोवेव करना है 5 मिनट के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और तुरंत ना खोल के 5 मिनट बाद खोलिए। ये देखिए आपकी इडली ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट सी हो रही है। और आप इसमें नाइफ डाल के चेक कर लीजिए, आपकी नाइफ अगर बिल्कुल क्लीन आए मतलब आपकी इडली अच्छी तरीके से पक चुकी है। अगर नाइफ में थोड़ा सा भी लगा हो तो इडली को वापस से 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लें। अब ये इडली तो रेडी है, लेकिन थोड़ा सा इन्हें ठंडा होने दें ताकि ये सेट हो जाए। अगर आप अभी इन्हें खाएंगे तो ये लिबलिबाती हैं, थोड़ा कच्ची कच्ची लगती हैं। तो इन्हें 5 मिनट बाद सर्व कीजिए, ब्रेकफास्ट में सर्व कीजिए। ये ब्रेकफास्ट के लिए एक बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। इवन आप ये इडली बनाकर बच्चों को टिफिन बॉक्स में भी रख सकती हैं। थोड़ी कलरफुल भी दिख रही है तो बच्चों को ये खाने में बहुत अच्छी लगेगी। तो दोस्तों आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे लिखकर जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक का बटन दबाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।